क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ऑक्सीकारक अकारक क्या होता है, और साथ में ये भी समझेंगे कि ऑक्सीकृत पदार्थ अकृत पदार्थ क्या होते हैं। ये देखिए, ये जो टॉपिक आज का, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। देखिए, कन्फ्यूज़न वाला चीज़ों को हम जब अच्छे से समझते हैं तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, और वही समझ में नहीं आता अच्छे तरीके से तो कन्फ्यूज़न होता है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है जल्दी, तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे अंत तक देखें। और साथ ही एक बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं वो आपको मिलता रहे। और साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीकृत पदार्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकृत पदार्थ। देखिए, ऑक्सीकृत पदार्थ वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। जो पदार्थ ऑक्सीजन को क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकृत पदार्थ। जो पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए, H2+O2 इस अभिक्रिया में क्या बन जाता है, H2O यानी जल बनता है। तो देखिए, इसमें कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है। देखिए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ देख रहे हैं तो ऑक्सीजन आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को प्राप्त किया, तो हाइड्रोजन क्या है आपका, ऑक्सीकृत पदार्थ कहलाएगा। हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत होने का मतलब कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड है और इसमें कार्बन के साथ इसको जब हम गर्म कर देते हैं तो जिंक धातु अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें नहीं है, और गर्म करने के बाद इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है। तो यह पदार्थ जो है यानी कार्बन जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसे इसको समझाएंगे कि क्या होता है, समझ गए। तो ऑक्सीकृत पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, ऑक्सीकृत पदार्थ, जैसा कि आपने उदाहरण से समझ लिया। अब हम समझते हैं कि अकृत पदार्थ क्या होता है। चलिए आइए समझते हैं कि अकृत पदार्थ क्या होता है। तो अकृत पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें से ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है। मेरे पास कोई पदार्थ है और उसमें से क्या हो कि ऑक्सीजन का त्याग हो जाए, ऑक्सीजन उससे निकल जाए, तो वह पदार्थ जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अकृत पदार्थ कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं, अकृत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले एक एग्जांपल ये थे कि जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ हम हीट कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, जिंक धातु और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, सिर्फ जिंक है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक जब बना तो इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। इसमें पहले से ऑक्सीजन था और इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकल गया तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाता है उसी पदार्थ को, यानी कि ये जो पदार्थ है जिंक ऑक्साइड जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, ये क्या कहलाएगा आपका, अकृत पदार्थ। यानी कि ये पदार्थ जो है अब क्या हो गया, अकृत हो गया, समझ गए। तो जिंक क्या हो गया आपका, अकृत हो गया, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। ठीक, तो जिंक में से, जिंक ऑक्साइड से जिंक निकल गया तो ये पदार्थ जो है आपका क्या कहलाएगा, अकृत कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेड ऑक्साइड है, इसको आप कार्बन के साथ गर्म करें तो क्या प्राप्त हो जाता है, लेड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में भी हम देख रहे हैं कि लेड ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन पहले से है और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी कि लेड से, लेड ऑक्साइड से लेड मतलब ऑक्सीजन जो है वो हट गया, तो निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो वह पदार्थ जो है जिसे निकल रहा है उस पदार्थ को हम लोग क्या कह देंगे, अकृत पदार्थ, यानी कि वह अकृत हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि लेड जो है वो क्या हो गया, अकृत हो गया, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो था वो निकल चुका है, समझ गए। तो ऑक्सीकारक क्या होता, सॉरी
ऑक्सीकृत पदार्थ क्या होते हैं? तो ऑक्सीकृत वो पदार्थ है जिनमें ऑक्सीजन क्या हो जाता था, संयोग करता था, यानी कि जुड़ जाता था, ठीक है। वो पदार्थ जो ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता था उसे ऑक्सीकृत कह देते थे। अकृत में क्या होगा, इसके एकदम विपरीत है, ऑक्सीजन को जो त्याग करता है। चलिए अब समझते हैं कि ऑक्सीकारक और अकारक क्या पदार्थ होते हैं। चलिए तो अब समझते हैं कि अकारक क्या होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ऑप्शन दे देगा, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जो है अकारक है बताइए। तो ये समझ लेते हैं कि अकारक होता क्या है। तो देखिए अकारक वह पदार्थ है जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया पढ़ा दिया है। अगर आपने ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं पढ़ा है तो हमारा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो जो है, आपको ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ऑक्सीकरण अवकरण बिना समझे आपको ये चीज़ समझ नहीं आने वाला है, तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आइए, ऑक्सीकरण पदार्थ मतलब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया उसको हम क्या कह देते हैं, अकारक कहते हैं। याद रखिए जिसका ऑक्सीकरण वह अकारक, नाम थोड़ा उल्टा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, अकारक है। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, तो बताए थे कि ऑक्सीकरण का मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन क्या हो जाए किसी पदार्थ में, किसी तत्व में, यौगिक में संयोग कर जाता है, ऑक्सीजन का क्या हो जाए, संयोग हो जाए, या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन हो, दो काम हो, या तो ऑक्सीजन का संयोग हो जाए या तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, तो हम कहते हैं कि वह अभिक्रिया जो है कैसा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो जिस पदार्थ में ये दोनों काम हो रहा हो या कोई एक ही हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि वह जो पदार्थ है वो क्या है, आपका अकारक है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया आपको कि वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन संयोग करता है उसको क्या कहते हैं, कि वह कहते हैं कि वह ऑक्सीकृत हो गया। अभी बताए थे कि जो पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जिसमें ऑक्सीजन संयोग कर जाता है, उस पदार्थ को कहते हैं कि वो क्या हो गया, तो ऑक्सीकृत हो गया। तो इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसी को अकारक कहते हैं। तो हमारे पास दो परिभाषा आ गया अकारक को समझने का। एक तो पहला चीज़ ये है कि हम देखेंगे कि वह ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण अभिक्रिया हो रहा है उसके साथ। तो अगर ऑक्सीकरण हुआ तो मतलब कि वह अकारक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, तब भी वह पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका अकारक कहलाएगा। जैसे कि एक रिएक्शन के साथ समझते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। हमने उस टाइम भी लिया था इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंपल सा एक समीकरण होता है ये, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ करके जल बना रहे होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन को प्राप्त करके क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो H2 जो है H2O अब हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया, इसमें ऑक्सीजन आकर के संयोग कर गया, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीकृत हो गया। कौन ऑक्सीकृत हो गया जी, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकृत हो गया। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो गया तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, आपका अकारक कहलाएगा। तो हम लिख देंगे अतः H2 क्या है, आपका अकारक है। अकारक होने का कारण क्या है जी, तो अकारक होने का कारण क्या है कि यह ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिसका ऑक्सीजन जुड़ रहा था यानी कि ऑक्सीकरण हुआ तो मतलब अकारक। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं इसके ऊपर कि अकारक क्या होता है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड कार्बन के साथ गर्म किए क्या बना था, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में कॉपर भी बना था। तो कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों चीज़ बन गया था। आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये पता करते हैं कि इसमें पता करते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है अकारक है। तो अकारक पहचानने के लिए क्या तरीका बताया गया है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें देखिए कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, चेक करके आप बताएं। तो इसमें आप चेक कर रहे हैं तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का संयोग हो। तो कौन पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन वह पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कार्बन क्या हो जाएगा, आपका कार्बन है आपका अकारक, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि यह ऑक्सीकृत हो गया था। तो जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है उसी को क्या कह देते हैं, अकारक कह देते हैं। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है। देखिए ऑक्सीकारक जो होता है एकदम अकारक के क्या होता है, एकदम विपरीत होगा, उल्टा, इसीलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीकारक क्या होगा, तो वह पदार्थ जिसका क्या होता है,
अब वहाँ पे अवकारक था तो इसको ऑक्सीकरण कह रहे थे, अब ऑक्सीकारक है तो इसको क्या कहेंगे, अवकरण कह देंगे, यानी कि वह पदार्थ जिसका क्या हो जाता है, अवकरण हो जाता है। तो अवकरण अगर जिसका होगा उसी को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। अब हमें पता है कि अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया जो होता है एकदम उल्टा होगा किसके, ऑक्सीकरण के। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा किसी यौगिक से। तो ऑक्सीजन निष्कासित होगा या तो हाइड्रोजन संयोग करेगा तो कहेंगे कि अवकरण अभिक्रिया है, और ऐसा जिसमें हुआ उस पदार्थ को हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीकारक कह देंगे। तो हमने बताया कि ऑक्सीजन का जब निष्कासन हो रहा होता है तो कहते हैं कि वो पदार्थ क्या हो गया, अवकृत हो गया। तो अवकृत कौन हो गया जी, वह पदार्थ जिससे ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो निष्कासन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ना कि वह पदार्थ जो है क्या हो गया, अवकृत हो गया। तो हम दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है, तो वह पदार्थ जो अवकृत हो जाता है उसी को तो ऑक्सीकारक कहते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है अवकृत हो जाना और ऑक्सीकारक में, जौन पदार्थ अवकृत होगा उसी को ऑक्सीकारक कहेंगे। अवकृत होने का मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन, ठीक है। आइए उदाहरण से समझा देते हैं। तो उदाहरण बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला लेते रहिए, जल बनाते रहिए, पानी पीते रहिए, गर्मी का टाइम है, एक दिन में पूरा पानी पी जाइए 7-8 लीटर, ध्यान दे इधर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बन गया, जल बन गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा तो जल बना, तो हमें क्या देखना है, हमें पता करना है कि ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक क्या होता है, तो जिसका अवकरण हो। अवकरण कब होता है जी, जब ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का संयोग। तो हाइड्रोजन का संयोग का मतलब कि किस पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है आपका ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन क्या है आपका, तो O2 जो है आपका ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, क्लियर। तो O2 जो है आपका ऑक्सीकारक। आइए एक और अभिक्रिया ले लेते हैं जी। देखिए एक लेड ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो लेड अलग और कार्बन डाई ऑक्साइड मिलेगा हमें, ठीक। तो इसमें देखिए कि अवकरण किसके साथ हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन का निष्कासन किसमें से हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन का संयोग। हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन है ये नहीं है तो संयोग कहाँ से करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है तो पता करते हैं कि ऑक्सीजन किसमें से निकल गया, ऑक्सीजन किसको छोड़कर चला गया, लेड ऑक्साइड के पास तो था लेकिन दिख रहे हैं लेड में ऑक्सीजन है ये नहीं है, मतलब छोड़ दिया, छोड़ा तो गया कहाँ, किसी के पास जाएगा ना जी, तो कार्बन के पास चला गया। तो हमें उससे मतलब नहीं है कहाँ गया, किसके साथ गया, हमें तो देखना है किसको छोड़ा। तो ऑक्सीजन किसको छोड़ा जी, लेड को छोड़ दिया। तो लेड को छोड़ा तो PbO जो है क्या हो गया, इसी के साथ तो अवकरण हुआ, और जो अवकरण होता है उसी को क्या कह देते हैं, ऑक्सीकारक। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें और हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपको इसका नोट्स डाउनलोड करना है तो हमारे वेबसाइट www.dearclass.com पर से जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।